और ये कुछ खिला रहा है लूसी को बनाना। ये देखिए कितने आराम से लूसी खा रहा है बनाना। अब लूसी का पेट भर गया तो लूसी लेट के खा रहे हैं आराम से। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह मैं कर रही हूँ किचन में काम। देखिए पीछे मैं बना रही हूँ नाश्ते में दाल के पराठे, चने की दाल के, और खाने के लिए तैयारी कर रही हूँ साथ साथ में राजमा। चलिए अपना काम कर लेते हैं। मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर लें। और कुछ जा रहा है द्रोण उड़ाने। कहाँ है द्रोण? ये नीचे जा रहा है अपने पापा के साथ। और ये राजमा के लिए मैंने यहाँ पे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, फिर उसमें बारीक बारीक प्याज और हरी मिर्ची कट करके डाल दी, और जब वो थोड़ी सी ब्राउन होने लगी तो उसमें मैंने लहसुन और अदरक को कूट के डाल दिया। और ये हमारा मसाला भुंज रहा है। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और यहाँ पे मैंने दो तीन टमाटर ले लिए, इनको चॉपर में चला लिया। अब ये डाल देती हूँ और टमाटरों को अच्छे से भूंज लेते हैं। और अब इसमें डाल देती हूँ लाल मिर्ची पाउडर। धनिया पाउडर इसको भून लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि राजमा भी बॉईल की तो उसमें भी नमक डाला है मैंने। और अब इसको मैं भूंज लेती हूँ अच्छे से, जब तक ये जो हमारा ऑयल है वो मसाले से सेपरेट होता है, जब तक भूंज लेते हैं। चेक कर लेते हैं मसाले को। ये देखिए मसाले से जो ऑयल है हमारा वो सेपरेट हो गया, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैंने यहाँ पे एक आलू को बॉईल करके मैश करके ले लिया, ये डाल देती हूँ, इससे हमारी ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक आलू डालने से राजमा में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने राजमा रखे हैं बॉईल करके कुकर में, इनको तीन चार सीटी लगा के बॉईल कर लिया था नमक डाल के। अब इनको भी डाल देती हूँ और अब इनको अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। अच्छे से मिक्स करके और इनको मैं 5 मिनट ढक करके बॉईल कर लूँगी, उसके बाद चेक करेंगी। राजमा को रख दिया मैंने दूसरी गैस पे, बन रहे हैं तो यहाँ मैं बना लेती हूँ फ्राई मिर्ची। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें सरसों का ऑयल डाल दिया। और इधर ये मैंने ले लिए थोड़ी सी सौंफ, कलौंजी और जीरा, इसको डाल देते हैं, इसमें तड़कने देते हैं। और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। ऑयल को गर्म करके हल्का सा ठंडा कर लिया मैंने और गैस का फ्लेम लो कर दिया। इनको हल्का सा भूनेंगे, बस चटकने लगेगा। जैसे हमारी कलौंजी और सौंफ चटकती है वैसे ही मिर्ची कट करके रखी है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में, भी डाल दूंगी। गैस को हमें लो ही रखना है। Thank you.
ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, हल्का हल्का भूनेंगे। और गर्मियों में खाने के साथ ना मिर्ची हो, छाछ हो, तो बहुत टेस्टी ही लगती है, इसलिए मैं थोड़ी सी मिर्ची बना रही हूँ। मिर्चा को भी पसंद है, मेरे को भी पसंद है, थोड़ा सा भून लिया। और अब इसमें डाल देती हूँ मसाले, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। और इधर ये मेरे पास मिर्ची मसाला है, ये डाल देती हूँ, सबको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। चेक कर लेते हैं इसको, और ये मिर्ची हमारी अच्छे से बन के तैयार होगी। गैस बंद कर देती हूँ और अब लास्ट में डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा मसाला पाउडर। मिक्स कर देती हूँ, ये मिर्ची हो गई हमारी बन के तैयार। अब राजमा को चेक कर लेते हैं, और ये राजमा में देखिए अच्छे से उबल चुके हैं, तो यहाँ हमारी सब्जी भी हो गई बन के तैयार। लग रही ना दिखने में एकदम टेस्टी सी। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा देसी घी लेके और उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल के तड़का लगा सकते हो, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा, टेस्ट भी आएगा। लेकिन मैं चावल के साथ बनाऊँगी तो ऐसे ही खाएँगे। और इसमें डाल देती हूँ बहुत थोड़ा सा गर्म मसाला, अच्छे मिक्स कर देती हूँ गरम मसाला डाल के। और इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो भी हमारी बढ़िया सी राजमा की सब्जी बनके तैयार, ढक के रख देते हैं और अपना बाकी का काम कर लेते हैं। अभी मैंने राजमा की मिर्ची फ्राई करके रख दी, और लंच में बनाऊंगी सूखी आलू की फ्राई सब्जी राजमा के साथ। और कुछ खाएगा चावल, उसके लिए बनेंगे चावल, बाकी सब लोग खाएंगे चपाती, उनके लिए चपाती बनेंगी। और अभी बस नाश्ता बना लेती हूँ, दाल के पराठे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? और मैं तो यहाँ गेट बंद करने आई हूँ, निशा जा रही है सब्जी लेने, क्योंकि घर में अभी कोई सब्जी नहीं, सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं। कुछ तू भी जा रहा है क्या? हाँ, मम्मा के साथ। हाँ तो कुछ और निशा जा रही है सब्जी लेने, और वो सब्जी लेके आते हैं। ये देखिए निशा जा रही है सब्जी लेने, बैग ले लिया, और मनु के साथ जा रही है, सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स ख़त्म हो रहे हैं। तो तू सब्जी लेके आ जा, मैं इंतजार कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, निशा लेके आ गई सब्जी बहुत सारी, और पीछे देखिए आज आंटी नहीं आई, तो बर्तन पड़े हुए हैं सारे, तो मेरे को वो धोने हैं। निशा चली गई थी सब्जियां और फ्रूट्स लेने, तो बहुत सारी सब्जी लेके आई है। अभी दिखाती हूँ आपको कि कितनी सारी सब्जी लाई है, मशरूम, ये क्या है, बैंगन, घिया, कद्दू, और कैरी, और ये अंगूर, और ये क्या है, करेले इसमें, और कटहल। कटहल को नींबू लगाना निशा, नहीं तो वो हो जाएगा काला। और मिर्ची बनवाएगी, मिर्ची, तरबूज, और ये प्याज, और वाइट प्याज भी लेके आई थी, वो कहाँ गई, ये भी, ये वाइट प्याज। और बहुत सारी सब्जी ले आई है पूरे हफ्ते की,
कि दीदी आप परेशान होते हो कि फिर सब्जी नहीं है सब्जी नहीं है, तो सारी सब्जियां लेके आ गई। तो अब मैं इनको वॉश कर लेती हूँ, वॉश करके बास्केट में एक बार रख देती हूँ, फिर सूखने के बाद फ्रीज में लगा दूँगी। तो बस फ्रेंड अब इस वीडियो का यहीं एंड कर लेते हैं। निशा सब्जियों को धो देगी या निशा बनाएगी लूसी की रोटी, तो मैं धो दूँगी। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो आपको कैसा लगता है, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे से जितना होता है मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। बाय बाय करते हैं, बाय।